Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. It's very interesting and very complex issue. इस पे हमने पहले भी बात की थी गालिबन किसी प्रोग्राम में. तो ये अब ये इशू इसलिए डिस्कस हुआ कि जो रिसेंटली जो नई गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में जी, ये जो योगी साहब की, तो उनके बाद उन्होंने वहाँ पे जो है ना ये जो स्लॉटर हाउसेज हैं उनको रेगुलेट करना शुरू कर दिया. सो देयर वर मैनी स्लॉटर हाउसेज नॉट लाइसेंस्ड टू ऑपरेट. तो उन्होंने कहा कि इन सब को रेगुलेट करो और बंद करो, जिसकी वजह से ये फिर इशू जो है ना वो डिस्कस होना शुरू हो गया कि जी काउ स्लॉटर जो है जो इलीगली हो रही है या इलीगल स्लॉटर हाउसेज में हो रही है, उसकी वजह से ये इशू फिर डिस्कस हुआ. और ये जो है एक टेंशन का इशू बनना शुरू हो गया है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू कम्युनिटी, एंड ज़ाहिर है इज़ अ वेरी टची इशू, क्योंकि कोई भी इशू जो रिलीजियस के साथ जुड़ा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, दैट बिकम्स डेंजरस. तो इस पे जो है वो वहाँ की जो एक खानकाह है अजमेर शरीफ, विच इज़ अ वेरी नॉन प्लेस, एंड वहाँ जो ख्वाजा मायद्दीन की जो उनकी है दरगाह उसको कहते हैं, उसके जो हैं ज़ैनुल आबिदीन जो उसके हैं इस वक्त पेशवा, उन्होंने ये कहा है. ये जो आपको पता है ना खानगाहें दरगाहें, ये दे बिलोंग टू सोफी स्कूल ऑफ थॉट, सो दे आर मोस्ट अकोमोडेटिंग एंड टॉलरेंट पीपल व्हेन इट कम्स टू रिलीजन. तो उन्होंने ये कहा, मुसलमानों से ये अपील की कि आप लोग जो है वो खुद ही गाय का गोश्त खाना छोड़ दें, इंस्टेड के हिंदू आपको कहें कि ना खाओ या उस पर पाबंदी लगाएं, यू जस्ट गिव इट अप. और उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं सबसे पहले अपना, मैं खुद आज के बाद मैं और हमारी फैमिली जो है वी वुडंट स्लॉटर द काउ और वी वुडंट ईट द मीट. तो इस हवाले से ये एक बड़ी न्यूज है, बड़ी इसलिए कि इट्स वेरी इनकरेजिंग. और इन साहब का तो मुझे कोई ज्यादा जो है वो वाकफियत नहीं है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये रिफ्लेक्शन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो सूफिया इकराम थे, जो इस तरह के रिलीजियस स्कॉलर थे और जो स्पिरिचुअली जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को हिस्टोरिकली लीड करते थे, ये उनकी रिफ्लेक्शन है और उनके करेक्टर की रिफ्लेक्शन है. चूँकि उनका जोर ज़्यादा इन चीज़ों पे होता था कि ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना जिससे सोसाइटी के अंदर डिवीजन और हेट पैदा होती है, ये कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इसमें जो है वो दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए. तो अब इन्होंने ये जो कहा ना, इसमें बड़ा फ़लसफ़ा है, और ये जो मुसलमानों की या इस्लाम की जो रियल हिस्टोरिकली एक रोल रहा है और होना चाहिए, रियल सेंस ऑफ रिलीजन, नॉट द रिलीजन नाउ ए डे वी सी हियर एंड देयर, ये उसकी रिफ्लेक्शन है. और ये फराग दिली की और टॉलरेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है. मैं समझता हूँ कि हमारे लिए कभी भी जो है ना रिलीजियस सर्कल से कभी कोई खुशखबरी नहीं आती, नॉट समथिंग वी कैन अप्रिशिएट, ऑलवेज अ बैड न्यूज. तो ये जो है ना ये इज वेरी रेयर इंसिडेंट कि आपको ऐसी चीज भी आ सकती है विच इज रियली रिफ्रेशिंग, चेंज द एयर. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इनको अप्रिशिएट करना चाहिए. जहाँ तक इस टॉपिक का ताल्लुक है, चलो कोई भी जो रिलीजन होता है ना, ख्वाब वो हिंदुइज्म है या इस्लाम है या जरतुष्ट है या बुद्धिस्ट है या यू नेम इट, तो उस रिलीजन में हर चीज जो है ना उसको आप रेशनलाइज नहीं कर सकते, यानी जवाब जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये क्यों है. चूंकि रिलीजन इज लाइक दैट, रिलीजन में बहुत सारी चीजें लॉन्ग प्रैक्टिसेस में पीपल दे अडॉप्ट इट, दे एक्सेप्ट इट, एंड इट बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर डेली लाइफ. सो यू कैन नॉट जस्ट गो एंड आस्क देम, ओके व्हाई यू आर डूइंग दिस, कैन यू गिव मी अ रैशनल एक्सप्लेनेशन, दिस इज नॉट जस्ट गो वेल विद द रिलीजन, राइट. तो इसीलिए अब इस बहस में अगर कोई मुसलमान पढ़े या खुद हिंदू पढ़े कि क्या हिंदुइज्म में गौ माता जो है वो क्यों मुकद्दस है और क्या उसका क्यों बचाना जरूरी है, तो ये यूजलेस बहस है, क्योंकि दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर रिलीजन एंड इट हैज बीन दैट वे, राइट.
ठीक है राइट अब इसको क्वेश्चन करना जो है वो फिलोसफर का काम है पीपल और डिबेट थिंग्स एट इंटेलेक्चुअल लेवल राइट लेकिन इसको अवाम का काम नहीं है कि वो जाके एक हिंदू से पूछें कि भाई तुम इसको क्यों पूछते हो तो मैं इसको क्यों ना कहूँ राइट क्योंकि दैट वुड बी द हाइट ऑफ इंटॉलरेंस टुवर्ड योर फेलो सिटीजंस ठीक है जी तो अब इसकी कोई जस्टिफिकेशन पूछे बगैर हमें ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में 80% जो है 80% जो है वो हिंदू रहते हैं जी अब उनका जो भी बिलीफ है ये उनका बिलीफ है तो उनके साथ जो दूसरे लोग रहते हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करें वो उनको पसंद हो या ना पसंद हो जी क्योंकि यही एक रेसिप्रोकल वे ऑफ सर्वाइविंग है मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज के अंदर कि इन रिटर्न दे विल रिस्पेक्ट योर रिलीजन एंड योर वे ऑफ लाइफ ठीक है लेकिन आप अगर जो है वो सींगों से मीठी माटी लगा लें कि नहीं जी हम तो नहीं मानते आप ये कर क्यों रहे हैं तो हम गोश्त ना खाएं या ये है कि हम सदियों से गोश्त खा रहे हैं तो अब हम क्यों छोड़ें तो मैं ये समझता हूँ कि दैट्स नॉट ए वेरी गुड एटीट्यूड जो मुल्क और रियासतें होती हैं ना दिस इज जस्ट लाइक ए फैमिली एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड पॉजिटिव टू योर अदर फेलो सिटीजंस इससे जो है ये काम चलता है अब अगर हम इस तरह सोचें जो कि ये जो है ये पीर साहब ने जो लाइन दी है इसमें ये असल में बड़ा बारीक नुक्ता है कि ये मुसलमान फराग दिली का मुजाहरा करें चूंकि गाय खाना कोई हमारा मजहबी फरीजा नहीं है कुरान शरीफ में या हदीस शरीफ में कहीं नहीं लिखा हुआ या मुझे नहीं याद कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गाय स्लॉटर की हो चूंकि अरबों में गाय वगैरह का बहुत कम रिवाज होता था वो ज्यादातर वहां पे ऊंट या बकरियां या इस तरह के जानवर जी तो इसलिए ये हमारा कोई मजहबी जो है ना फर्ज नहीं है जी तो जब मजहबी फर्ज नहीं है तो फिर क्या है इसका मतलब है कि ये हमारी जो है वो एक जरूरत है एक तो आपकी जो टेस्ट के हवाले से दूसरा आपकी न्यूट्रिशन में भी के आपकी जो प्रोटीन है और चीजें जो है वो गाय के गोश्त से आप लेते हैं विच कैन बी इजीली रिप्लेस्ड राइट विद अदर थिंग आपने गोश्त ही तो खाना है तो जरूरी है कि गाय का ही खाए इसमें मैं समझता हूँ कि एक और बहुत सारी चीजें जो है उसमें गवर्नमेंट एक रोल प्ले कर सकती है कि लोगों की जो गजाई जरूरियात है उसके लिए उनको वो सब्सिडीज दें या उसके मुकाबले में इंडस्ट्री डेवलप करें जिस तरह चिकन है जी। या और जो जानवर हैं जो कि मुतनाज़ा नहीं समझे जाते क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें जो है ना दे रियली क्रिएट ए डिवीजन इन द सोसाइटी एंड इट कैन लीड टू वर्ड ए बिग बिग डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर क्योंकि इससे पर जो है ना वो एक ये चीज़ें एक अरसे बाद जाके जाहिर होती हैं और जब आप दूसरी कम्युनिटीज के साथ आप पूरे तरीके से कोऑपरेट नहीं करते तो मुमकिन है उस वक्त सरफेस पे कुछ ना हो बट मे बी 10 years 15 years डाउन द रोड उसके खिलाफ एक तरह का रद्द अमल जो है वो सामने आता है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इसका तरीका है कि अगर जो है वो मुसलमान वॉलंटियरली जैसा कि इन्होंने कहा है कि वो इसको छोड़ दें तो इससे उनका कोई मजहबी फर्ज जो है वो ख़त्म नहीं होता दूसरा ये उसको अपनी अना का मसला भी ना बनाएंगे हमसे जबरदस्ती गाय छुड़ा दी जी क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट ईगो और एनीथिंग राइट ये आपने रिस्पेक्ट दी है एक दूसरे रिलीजन को और तीसरा जो इस पे न्यूट्रिशन का मैंने कहा कि देर आर अल्टरनेटिव वेज जी बल्कि अभी अब देखेंगे यहाँ इन मुल्कों में तो ये जो इसको आप क्या कहते हैं जो मीट है रेड मीट गाव का तो इस तरह का तो वैसे भी अब लोगों ने जो है वो खाना छोड़ दिया है यानी रिपीटेडली आपकी जितनी मेडिकल जर्नल्स में रिसर्च आ रही हैं एडवाइसेस आ रही हैं मेडिकल ओपिनियन उनमें वो रिपीटेडली ये कह रहे हैं कि इससे बचना जिस कदर भी बच सकते हैं आप बचें जी सो इट्स एक्चुअली डिक्रीजिंग उसके मुतबादल जो है वो जो चीज़ें हैं न्यूट्रिशन की वो आ रही है हाँ जी। तो इसी तरह वो इस नुकता नज़र से भी सोच सकते हैं कि दिस इज़ ए वेरी वेरी हेल्थी लाइफस्टाइल हाँ जी तो उसमें ये गोश्त छोड़ना जो है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं बाकी जहाँ तक वो लोग साथ में बातें करते हैं जी कि वहाँ पे इंडिया से इतना बड़ा गोश्त एक्सपोर्ट होता है या वहाँ पे जो है वो इतने लोग वाबस्ता हैं पीपल दे आर मेकिंग देयर लिविंग हाँ जी आउट ऑफ दिस
ये जो चमड़ा है इस तरह की चीज़ों के साथ, सो इट विल, ये इससे जो है वो बड़ी बेरोजगारी या इस तरह पैदा होगा। तो ये तो इतना बड़ा ये कोई मसला नहीं है, या इसकी वजह से कोई ये जस्टिफिकेशन किसी को नहीं ढूंढनी चाहिए कि हमें गाय ज़बह करने की इजाज़त दी जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें कानून को दरमियान से हटा देना चाहिए कि लॉ हैज नो बिजनेस विद दिस पीपल, दे शुड वॉलंटेरली इम्प्लीमेंट दिस ऑन देम। राइट, तो ये फिर एक बहुत वसी और बड़ा एक जो है ना, एक क्या कहते हैं कि अप्रिशिएटेबल एक एक्ट जो है वो बनता है। परफेक्ट, थैंक यू मिस बशानी।